हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द गार्डनिंग ज्ञान में। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, हमने हैंगिंग पॉट्स मंगाया था ऑनलाइन, उसका वीडियो भी हमने बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक हम दे देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम बताएंगे कि कैसे आप हैंगिंग पॉट्स में, आप कैसे जो भी नर्सरी से पौधे लाते हो, जो एक तरह से जो पौधे आते हैं जो पॉट्स में ही लगाने होते हैं, वो हम अप्लाई करके लाए। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हमने चार प्लांट्स लाए हुए हैं, कितना अच्छे कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, इस जो ग्रोइंग बैग से हटा के अपने इस पॉट्स में जो हमने मंगाया था मार्केट से ऑनलाइन, उसमें हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों एक एक प्रोसेस हम करके बताएंगे, तो दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे पॉट्स को अलग कर लिया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, दोस्तों हमने क्या किया, ड्रेनिंग सिस्टम के लिए हमने होल कर लिया। दोस्तों होल काफी जरूरी है, अपने कोई भी प्लांट्स लगाते हैं, ये देख सकते हैं सारे पॉट्स में कर लिए हैं, तो ये काफी जरूरी होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो इसको जरूर ध्यान रखें। इससे क्या होता है, आप कभी भी क्या होता है, आप एक्स्ट्रा ओवर वाटर कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपका एक्स्ट्रा वाटर है ड्रेन आउट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने गार्डन सॉइल लिया हुआ है दोस्तों, अपने गार्डन से दोस्तों, इसमें हमने क्या किया हुआ है, कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है और हल्का सा सेंड मिक्स किया दोस्तों। ये देखिए हमने थोड़े से, ये देख सकते हैं आप, हमने थोड़े से यूरिया और थोड़े से एक मट्टी में डालने वाला एक खाद होता है, इसको हम मिक्स कर देंगे। इसमें हमने खली भी मिक्स किया है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा आप इसमें मिक्स कर देंगे तो इसकी थोड़ी सी जो मट्टी है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो हम मिक्स कर देंगे तो इससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाएगी दोस्तों, और इसमें काफी अच्छा काफी जल्दी ग्रो करेगा। तो इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए चारों तरफ से, ये देखिए इसको खूब अच्छे से मिक्स करना। ये देखिए दोस्तों, ये जो एक प्लांट्स है, इसको हम क्या करेंगे, इसकी ग्रो बैग से निकालेंगे और अपने हम जो हैंगिंग पॉट है उसमें शिफ्ट करते हैं। तो ये देखिए, इस प्लांट्स का नाम गजानिया है दोस्तों, ये काफी सुंदर काफी अच्छा प्लांट्स है, ये देखने में काफी खूबसूरत होता है, इसमें काफी अच्छे अच्छे फ्लावरिंग आती है, काफी अच्छे अच्छे इसमें फूल आते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको हम ठंडियों में सर्दियों में लगाते हैं, तो इसमें मार्च अप्रैल तक काफी अच्छे फ्लावरिंग होती है दोस्तों। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसके पॉलीबैग से हम इसको अलग कर लेते हैं, काफी सावधानी से हटाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, कि जो इसकी मट्टी है उसको हम पूरा नहीं हटाएंगे, रिमूव नहीं करेंगे, जब हम अपने पॉट्स में लगाएंगे, ये देखिए ये हमारा जो पॉट्स है, इसमें हम 50% जो हमारा जो ये हमने मट्टी तैयार किया है ये रखेंगे, और ये जो मट्टी है इसमें पहले से लगा हुआ है, इसको हम पूरा प्रॉपरली रिमूव नहीं करेंगे, हल्का हल्का रिमूव करेंगे, काफी अच्छे तरीके से काफी सावधानी से आपको ये देखिए रिमूव करना है, और इसमें इसके भी मिट्टी इसमें रहेगा, क्योंकि अगर आप पूरी मिट्टी आप हटा देंगे और नए जो अपने मिट्टी लगा देंगे तो क्या होता है कि पौधा को सर्वाइवल थोड़ा सा आसान नहीं होता, सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए आप इसका काफी ध्यान रखेंगे। ये देखिए काफी अच्छे तरीके से इसको, ये देखिए हमारा इसमें 50% ये हो गया, और देखिए दोस्तों हमने क्या किया, इसको नीचे रख के इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, देखिए क्या करेंगे, देखिए कैसे लगाना है इसको, हम हल्का सा पहले मिट्टी रख लेना है, ये देखिए दोस्तों पहले हल्का सा नीचे आपको हल्का सा मिट्टी रख लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छे से लगाना है, ये देखिए, उसके बाद चारों तरफ से आपको मिट्टी से भर देना है, काफी आसान है तो दोस्तों लगाना इसमें। देखिए दोस्तों फाइनली हमने इसमें अच्छे तरीके से लगा दिया, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हमारा इधर कहीं फंस रहा है, इसको हम किनारे कर देंगे और फिर हम जो नया प्लांट है उसको हम, तो चलिए दोस्तों जो हमारा सेकंड प्लांट है इसको हम क्या करेंगे, इस पॉलीबैग से अलग करेंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से लगा के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इसका जो नाम है, इस पौधे का नाम है इस प्लांट्स का, तो इसको बोलते हैं पेंसी का पौधा दोस्तों, ये काफी सुंदर काफी अच्छा होता है, देखिए काफी इसकी फ्लावरिंग काफी अच्छी होती है, आप देख सकते हैं कई कलर के आते हैं इसमें, देखिए इधर आपको देखेंगे तो बैगनी कलर का इसमें है, और ये इसमें येलो और हल्का सा रेडिश कलर का इसमें आप इसमें देख सकते हैं, काफी सुंदर काफी प्यारा प्लांट है दोस्तों। तो इसको भी हम सजेस्ट करेंगे अपने गार्डन में जरूर से जरूर शामिल करें। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम क्या पॉलीबैग को रिमूव कर लेते हैं जल्दी जल्दी।
फाइनली हमने सेकंड पॉड भी तैयार कर लिया। चलिए तीसरे पॉड को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने तीसरे प्लांट्स का जो सिलेक्शन किया, ये देखिए, ये हमने भी नर्सरी से लाया था बहुत पहले। ये हमारा जो मनी प्लांट है, देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर है। देखिए ये देखिए हल्का सा ये व्हाइट व्हाइट कलर का है। इसको भी हम अपने इस जो हैंगिंग पॉट है इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हमने थर्ड जो पॉट था इसको भी हमने काफी अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं, इसको लगा दिया है दोस्तों। चलिए ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत प्लांट है ये। देखिए हमने नर्सरी से लाया था, ये देख सकते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, हम जो हैंगिंग पॉट है उसमें लगा के दिखाएंगे आपको दोस्तों। दोस्तों इस पौधे का जो नाम है वैक्स बोगोनिया बोलते हैं दोस्तों। काफी सुंदर, काफी प्यारा देखिए ये प्लांट है। देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें फ्लावरिंग होती है, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये ठंडी के मौसम में काफी अच्छा ग्रो होता है दोस्तों, काफी अच्छा इसमें फ्लावरिंग होती है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम पॉलीबॉक्स से जल्दी से रिमूव करते हैं और फटाफट लगाते हैं। दोस्तों कभी भी आप रिपोर्टिंग करते हैं दोस्तों, तो एक बात काफी ध्यान रखिए, आपको नीचे काफी अच्छे तरीके से मिट्टी लग देना है कम से कम। ये देखिए एक से दो इंच का मिट्टी आपको जो पोर्ट्स में नीचे इसके बॉटम में रख देना है। उसके बाद ही अपने पौधे को ऊपर शिफ्ट रखें। इससे क्या होता है कि इसकी जो रूट्स होती है काफी अंदर तक जाता है और काफी अच्छा इसका ग्रोथ काफी अच्छा रहता है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए देखिए दोस्तों फटाफट इसको जल्दी जल्दी लगा देंगे। दोस्तों हमने फाइनली रिपोर्टिंग कर दी है, देखिए अब इसको हल्का हल्का पानी दे दीजिए। देखिए आप हमने जितने भी रिपोर्टिंग की है, जो जो हमने स्पॉट्स में लगाए हैं दोस्तों, ये काफी अच्छा, काफी सुंदर प्लांट्स होते हैं दोस्तों। ये जो हमने प्लांट्स लगाए हैं ये सब आपको हैंगिंग पॉट्स में लगाने वाले प्लांट्स हैं दोस्तों। अगर आप ये अपने हैंगिंग पॉट्स में लगाते हैं और इसको अच्छे जगह पे जहाँ पे प्रॉपर धूप आता रहे, ये जो भी प्लांट्स है दोस्तों इसमें धूप काफी अच्छी चाहिए होती है, कम से कम 2 से 3-4 घंटे का धूप प्रॉपर चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पॉट्स है ये पूरा फूलों से लदा रहेगा। आप जब भी आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे तो काफी सुंदर, काफी अच्छा, काफी अट्रैक्टिव लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारा जो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों, और हमारे अगर आपको और भी अपने रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं दोस्तों ये वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दोस्तों, बाय बाय।